नमस्ते दोस्तों, इन्वेस्टर वर्सेस स्पेकुलेशन के वीडियो में आप लोगों का और एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो का पहला पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लीजिए, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। तो दोस्तों, चलते हैं अभी लास्ट 6 पॉइंट पे। तो जो 6 पॉइंट है वो आप ध्यान से देखिएगा, अगर लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, नहीं तो बार बार रिवाइंड करके देख लीजिए, क्योंकि ये जो 6 पॉइंट है आखिरी का, ये आप लोगों के फ्यूचर के इन्वेस्टिंग करियर के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और पिछले 6 पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों, आज का पहला पॉइंट है कि आपने जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया है मार्केट में या कहीं पे भी, क्या उतना पैसा आपका लॉस कैपेसिटी है? मेरा मतलब है कि आपके पास जितना भी पैसा है उतना पैसा का आप लॉस झेल सकते हो? तो इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास है 1,00,000 रुपये, तो उसमें से 90,000 मैंने उधर लिया है किसी से और 10,000 मेरा खुद का है। उस 10,000 में 5,000 मेरे फैमिली का खर्चा है इस महीने का, तो टोटल 1,00,000 से 90,000 प्लस 5,000 मेरा खर्चा है, 95,000 मेरा नेसेसरी खर्चा है। तो 1,00,000 से 95,000 अगर माइनस कर दिया जाए तो रह जाता है 5,000। तो ये 5,000 ही मैं लॉन्ग टर्म के लिए रख सकता हूँ, यानी कि मेरा जो लॉस कैपेसिटी है वो 5,000 है। देखिए, पहले सिचुएशन में मेरे पास 1,00,000 था, मगर अभी सब नेसेसरी खर्चे को निकाल के मेरे पास बच जाता है 5,000। तो आपका जितना भी पैसा नेसेसरी खर्चे को निकाल के आपके पास होगा वही आपका लॉस कैपेसिटी होगा। उससे ज्यादा अगर आप इन्वेस्ट करे हैं तो आपने स्पेकुलेटी किया है आपके खुद के पैसे को लेकर। तो आज का दूसरा पॉइंट है, आपने ऑलरेडी जितना पैसा मार्केट में इन्वेस्ट किए हो अगर वो लॉसेस में चला जाता है तो आपका रिएक्शन कैसा होगा, यानी कि आप उस लॉसेस को लेकर कितना ज्यादा इफेक्टेड होंगे। तो इसे भी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए मार्केट में आपने टोटल 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया है और करंट सिचुएशन में आपका 8,000 लॉसेस में चला गया है, यानी कि आपका अभी इन्वेस्टमेंट का प्रिंसिपल वैल्यू रह गया है 2,000। तो इस सिचुएशन में आपका रिएक्शन कैसा होगा? कोई कोई तो मार्केट जब डिप्रेशन में चला जाता है तो वो इन्वेस्टर खुद भी डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि वो अपने कैपेसिटी के ऊपर इन्वेस्ट कर देता है। मान लीजिए अगर उसका कैपेसिटी है 5,000 का, तो वो इन्वेस्ट कर देता है 7,000, 8,000, 10,000 तक। कभी कभी तो उधार का पैसा लेकर भी वो इन्वेस्ट कर देता है। तो एक्चुअली ये एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, एक स्पेकुलेशन ही है अपने पैसे को लेकर और दूसरे के पैसे को भी लेकर। दोस्तों, आज का तीसरा पॉइंट है, अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है मार्केट में या किसी भी कंपनी में और अगर वो इन्वेस्टमेंट आपको रिटर्न इन्फ्लेशन से ज्यादा दे रहा है तो ही आपका वो इन्वेस्टमेंट है, नहीं तो आपका आपके पैसे को लेकर वो ही स्पेकुलेशन हो जाता है। क्योंकि देखिए, इन्फ्लेशन एक ऐसा राक्षस है जो आपको दिखाई नहीं देता, मगर आपका जो पैसा है उसका वैल्यू पर डे वो खा जाता है। तो इस हिसाब से अगर 6-7% अगर इंडिया का इन्फ्लेशन रेट है अभी, और ये इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से 7 साल के अंदर आप अभी जो सामान खरीद रहे हैं 100 रुपीज में, वो 200 में आपको खरीदना पड़ेगा, यानी कि आपका 100 रुपये का वैल्यू 50% हो जाता है। तो अगर आपने जहां पे भी इन्वेस्ट किया है वो इन्फ्लेशन से ज्यादा परसेंटेज का रिटर्न नहीं आपको जनरेट करके दे रहा है तो आपके पैसे को लेकर वो एक स्पेकुलेशन हो जाता है, वो एक सही इन्वेस्टमेंट नहीं है। मेरा आज का चौथा पॉइंट है, क्या आपके पास उतना पेशेंस है जितना टाइम लगेगा एक इन्वेस्टमेंट को डबल या ट्रिपल या मल्टीबैगर होने में? सपोज आपने एक कंपनी को चूज किया है और आपके प्रोजेक्शन के हिसाब से वो कंपनी 5 साल में 3-bagger हो जाएगा, तो क्या आपके पास उतना पेशेंस है कि आप 5 साल तक वेट कर पाए? देखिए, कई बार हमारे पास पैसा तो होता है मगर पेशेंस नहीं होता, और पेशेंस नहीं होने के कारण बहुत ज्यादा लॉसेस हो जाता है। मार्केट इस 5 साल में कई बार फ्लैक्चुएट कर सकता है, कभी ऊपर 20% तो कभी 50% नीचे भी हो सकता है। तो अगर हमारे पास पेशेंस नहीं होगा तो हम लोग वो इन्वेस्टमेंट को जल्दी सेल कर देंगे और हो सकता है लॉसेस भी झेलना पड़े, या प्रॉफिट भी हो सकता है तो भी थोड़ा ही होगा, पूरा उस इन्वेस्टमेंट को
मल्टीबैगर होने में जितना टाइम लगता है, अगर उतना टाइम हम लोग नहीं देंगे तो वो फुल्ली मल्टीबैगर नहीं होगा। तो पेशेंस का एक बड़ा रोल प्ले होता है इस इन्वेस्टमेंट में। तो अगर आपके पास पेशेंस है तो ही आप इन्वेस्टिंग करियर में आगे जा सकते हैं, नहीं तो आप एक स्पेकुलेटर बन के रह जाएंगे। दोस्तों आज का मेरा फिफ्थ पॉइंट है कि हम लोग जानते हैं हम अपने हार्ड अर्न मनी को लेके कहाँ इन्वेस्ट करने वाले हैं, या ऑलरेडी जहाँ पे भी इन्वेस्ट कर चुके हैं, क्या वो सही से इन्वेस्टमेंट है या एक स्पेकुलेशन। तो इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए दोस्तों, हर एक के लिए हर एक इन्वेस्टमेंट सही नहीं होता है। तो मान लीजिए एक ओल्ड पर्सन है जो रिटायर हो चुका है, तो वो ज्यादा रिस्क भी नहीं ले सकता है और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट भी नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे सर्वाइव करने के लिए हर मंथ पेचेक ही चाहिए, नहीं तो उसका घर ही नहीं चलेगा। वहीं पे एक यंग पर्सन अगर है तो वो यंग पर्सन ज्यादा रिस्क भी ले सकता है और अपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है। तो हम लोगों को समझना पड़ेगा हम लोगों का अभी करंट सिचुएशन क्या है, उस करंट सिचुएशन के हिसाब से ही हम लोग इन्वेस्ट करेंगे। मान लीजिए हम लोगों का करंट फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो इनिशियल टाइम में हम लोगों को कितना पैसा इमरजेंसी पर्पस के लिए रखना चाहिए और कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, ये हम लोगों को पहले समझना पड़ेगा। और ये समझने के बाद ही अगर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो वो एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट होगा, नहीं तो हम अपने मनी को लेकर एक स्पेकुलेशन ही करेंगे। तो दोस्तों आज का मेरा लास्ट और इस सीरीज का आखिरी पॉइंट है, अगर हम लोग ऊपर के जो 11 पॉइंट है इस सब पॉइंट को फॉलो करके एक इन्वेस्टमेंट को चूज करते हैं तो ही वो एक इन्वेस्टमेंट होगा, नहीं तो वो स्पेकुलेशन ही होगा। तो ऊपर जितना भी पॉइंट मैंने दिया है आप पहले वो स्टडी कर लीजिए और फिर जब आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तब वो पॉइंट्स को आप लोग इवेल्युएट कीजिए। अगर आप लोग करते हैं ऐसा तो 90% तक आप लोग अपना रिस्क घटा लेंगे, ये मेरा गारंटी है। और अगर एक इन्वेस्टमेंट में 90% तक इन्वेस्टमेंट का रिस्क चला जाता है तो स्टॉक मार्केट में सक्सेस का चांसेस भी ऊपर से 90% बढ़ जाता है। तो दोस्तों आशा करते हैं इस वीडियो को आपने पूरा देखा है, और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। अगर स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी जानना हो तो आप मुझे डायरेक्ट ईमेल भी कर सकते हैं और स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो पर।